आस्था के सामने झुक गया विज्ञान। दुनिया के सबसे बड़े टनल विशेषज्ञ ने भी हार कर जोड़ लिए हाथ। अमेरिका की मशीन भी तीन तीन बार हो गई फेल। अब कंपनी के मालिक को जाना पड़ेगा जेल। न पीने को पानी था, न खाने को खाना, सोने को भी नहीं था बिस्तर। फिर भी 12 दिनों तक किसी भी मजदूर को नहीं आई एक भी खरोच। दुनिया ने लाइव देखा सबसे बड़ा चमत्कार। सारे काम धंधे छोड़कर मोदी खुद पूरी घटना पर रखे हुए थे प्राय नजर। जल्द मिलने वाली है देश को सबसे बड़ी खुशखबरी। जो काम हाईटेक मशीन नहीं कर पाई, बाबा के मंदिर ने कर दिखाया। 41 जिंदगियों को महफूज करके दिखाया। बौखनाक बाबा ने कर दिया चमत्कार। विज्ञान भी हुआ बाबा के सामने नतमस्तक इस बार। 41 मजदूरों की कहानी इस वक्त देश दुनिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हर कोई बस इसी इंतजार में बैठा है कि कब ये सभी मजदूर भाई सही सलामत बाहर आएंगे। लेकिन पिछले 13 दिनों से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही जिससे राहत की सांसें ली जा सके। बेशक मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ सांसों के लिए है, न कि बेहतर जिंदगी के लिए। मगर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और 41 जिंदगियां दांव पर लग गईं? और उसके बाद बाबा ने कैसे अपने चमत्कार से इन 41 मजदूरों को मौत के मुंह में भी जिंदा रखा, जो अभी तक किसी ने न तो आपको बताया और न दिखाया, वो हम बताएंगे और दिखाएंगे भी। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 13 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। यहां तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई अमेरिकी ऑगर मशीन भी बार बार खराब हो रही है। और तो और, अमेरिका से आए विशेषज्ञों का ज्ञान भी यहां पर अज्ञान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही असली बात का पता चला, सब हैरान हो गए। दरअसल टनल निर्माण एजेंसी ने यहाँ पर लंबे समय से स्थापित बाबा बौखनाक के मंदिर को हटाकर टनल बनाने का काम शुरू किया था। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि बाबा बौखनाक मंदिर को तोड़ने के कारण ये सब हो रहा है। ग्रामीण सुरंग धसने को बाबा बौखनाक के गुस्से का प्रकोप मान रहे हैं। लेकिन कौन है ये बौखनाक बाबा और क्यों अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि अमेरिका जैसे देश से आए वैज्ञानिक भी, जो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करते हैं, वो भी इस बात को मान गए कि यहाँ पर बाबा का प्रकोप है, जिसके चलते उन्होंने मंदिर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। असल में सुरंग में पाइप पहुंचने की घटना ऑस्ट्रेलिया के भू वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नोल्ड को असामान्य लगी, जिसके बाद अर्नोल्ड खुद बौखनाक देवता मंदिर के आगे शीश नवाने से खुद को रोक नहीं पाए। लोगों का मानना है कि मंदिर हटने के बाद सुरंग में कोई ना कोई अप्रिय घटना हो रही है। अब यहाँ पर फिर से बौखनाक देवता का मंदिर स्थापित किया गया है, जिसके तुरंत बाद अच्छी और राहत देने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग के सामने अस्थायी रूप से बनाए गए इस बौखनाक देवता मंदिर की पूजा की। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ अंग्रेज भी मंदिर के आगे शीश नवाते दिखे। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है ये बौखनाक बाबा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नौगांव में बाबा बौखनाक देवता का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पर हर साल एक मेले का आयोजन किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं की माने तो यहाँ पर जो नवविवाहित और संतान की इच्छा लिए लोग सच्चे मन से नंगे पैर इस त्यौहार में चलकर आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर बाबा बौखनाक की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई थी। दंत कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण टिहरी जिले में सेम मुखेम से पहले यहाँ पर आए थे, इसलिए यहाँ पर हर साल सेम मुखेम और बौखनाक में भव्य मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। बौखनाक में रात्रि जागरण भी किया जाता है। राडी कफनौल राजमार्ग के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बौखनाक तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 4 किलोमीटर की लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है।